डे 2 इन कोलकाता एंड राइट नाउ हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन था प्रिंसेप घाट और दिन के 1 बजे एंड आसपास कोई लोग बोटिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम ही लोग अकेले बोटिंग कर रहे हैं। दो लोगों के लिए भी पेड 300 rupees फॉर वन बोट हाफ आवर के लिए एंड जस्ट चेक द व्यू आउट। सो प्रिंसेप घाट से निकलने के बाद हम विक्टोरिया मेमोरियल विजिट करने जा रहे थे, पर गूगल पे शो कर रहा था कि ड्यू टू लॉकडाउन विक्टोरिया मेमोरियल अभी बंद है, इसीलिए हमने सोचा कि हम कोलकाता की फेमस आर्सलान की बिरयानी खाते हैं। बिरयानी खाने के बाद पेट काफी भर गया था, हमने वॉक करना शुरू किया और पार्क स्ट्रीट से होते हुए हम आगे बढ़ने लगे। रास्ते पे मैंने ट्रैम के रास्ते की लाइन देखी तो मेरा भी उस पर चढ़ने को मन कर रहा था, पर काफी देर तक मैंने वेट किया और कोई भी ट्रैम मुझे नहीं दिखी। तो फाइनली मैंने जो कोलकाता की फेमस काली पीली टैक्सी है वो ले ली एंड मजे की बात यह है कि जैसे ही मैं टैक्सी से उतरी मुझे ट्रैम दिखी। खैर मुझे उस पर बैठने का मौका नहीं मिला, पर तब तक मैं पहुंच चुकी थी कॉलेज स्ट्रीट जहां पर इतनी सारी किताबें हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने बुक्स ले रहे थे। सो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था इंडियन कॉफी हाउस एंड यहाँ पर सब कुछ इतना बिजी है एंड लिटरली यहाँ पर काफी भीड़ थी। इनफैक्ट काफी देर तक तो हमें सीट ही नहीं मिली। यहाँ पर चीजों के प्राइसेस काफी कम थे, आप इनका मेन्यू देख सकते हैं। सो मैंने ऑर्डर की यहाँ पे अपनी कॉफी एंड सैंडविच। तो यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ में कलीग्स के साथ में जा सकते हैं और काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। तो दिन की जो आखिरी प्लेस हमें विजिट करनी थी वो था इको पार्क, जो कि इंडिया का अभी तक का बिगेस्ट पार्क है। हमने इको पार्क एंटर करने के साथ ही एक टॉय ट्रेन ले ली थी क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं था कि हम पूरा गार्डन विजिट करें। तो जो टॉय ट्रेन के ड्राइवर थे वो सजेस्ट कर रहे थे और बता रहे थे कहां पे कौन सी प्लेसेस हैं और यहाँ पर अलग अलग थीम्स पे गार्डन्स कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल थीम गार्डन, टी गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, म्यूजिकल गार्डन एक्सेट्रा। और यहाँ पर 7 wonders ऑफ द वर्ल्ड की कॉपीज भी हैं जो कि हमने दूर से ही देखी क्योंकि उसके अंदर जाने का टाइम खत्म हो गया था जब तक हम वहां पहुंचे। यहाँ के जो विजिटिंग आवर्स हैं वो दोपहर 12 बजे से शुरू होके शाम 7:30 बजे तक की एंट्री होती है, पर वो 7 अजूबों को शायद थोड़ी देर पहले ही बंद कर देते हैं एंड मंडे को ये क्लोज रहता है। यहाँ का जो एंट्री फीस है वो काफी मिनिमल था, इट्स 30 rupees।
ऑल्सो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज भी हैं, जैसे कि बोटिंग, साइकिलिंग, गन शूटिंग, आर्चरी एक्सेट्रा। सो नाउ मैं होटल वापस आ चुकी हूँ एंड पूरे दिन बहुत ज्यादा घूमा, पैर काफी ज्यादा दर्द कर रहे हैं। कोलकाता में काफी कुछ एक्सप्लोर किया, प्रिंसेप घाट, पार्क स्ट्रीट, देन कॉलेज स्ट्रीट जहाँ पे बहुत ज्यादा बुक्स हैं, इंडियन कॉफी हाउस एंड ऑल्सो इको पार्क कोलकाता में नया शायद ओपन हुआ है, तो काफी अमेजिंग था, काफी बड़ा है। एंड ऑल्सो इको पार्क में सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बनाए हुए हैं, लेकिन बाय द टाइम हम पहुंचे वो पर्टिकुलर सेक्शन बंद हो चुका था। रेस्ट हमने घूमा, उसको दूर से देखा हमने जस्ट, एंड डिनर करके वी आर बैक। सो कल मॉर्निंग बैक टू दिल्ली, सुबह 11 बजे की फ्लाइट है, बस छुट्टियां खत्म। इफ यू लाइक द व्लॉग आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।